दोस्तों अब सिद्धार्थ शुक्ला हमारे बीच नहीं है। सिद्धार्थ शुक्ला का पिछले साल हार्ट अटैक की वजह से निधन हो गया था। सिद्धार्थ की अचानक मृत्यु ने हर किसी को शॉक में डाल दिया था। सिद्धार्थ के जाने के बाद उनके कुछ प्रोजेक्ट रिलीज हुए, जिसमें एक गाना वो भी था जो श्रेया घोषाल ने गाया था। इस गाने में सिद्धार्थ के साथ शहनाज गिल भी थी। इसके बाद कुछ और कॉम्पोजिशन सिद्धार्थ के लिए तैयार हुए, जिसमें फैंस ने काफी प्रशंसा की। हालांकि सिद्धार्थ के परिवार की इजाजत के बिना कुछ प्रोजेक्ट को रिलीज किया गया और कुछ को रिलीज किया जा रहा है। एक बयान में सिद्धार्थ के परिवार ने कुछ कहा है। इस बयान में सिद्धार्थ के परिवार ने किसी का नाम नहीं लिया था। एक रिपोर्ट के अनुसार बयान में जिस प्रोजेक्ट को लेकर बात की गई वो बिग बॉस 15 फेम विशाल कोटियन से जुड़ा है। कहा जा रहा है कि सिद्धार्थ के परिवार ने विशाल की वजह से अपना आधिकारिक बयान जारी किया था। वजह के बारे में बात करने से पहले आपको बता दें कि सिद्धार्थ शुक्ला के परिवार ने अपने बयान में क्या कहा। सिद्धार्थ शुक्ला के परिवार ने अपने बयान में कहा था कि वो सभी से आग्रह करते हैं कि सिद्धार्थ से जुड़ी कोई भी चीज रिलीज करने से पहले वो परिवार से इजाजत दे। इस बयान के बाद रिपोर्ट में कहा गया कि सिद्धार्थ ने ये गाना 3 साल पहले और बिग बॉस 13 से पहले शूट किया था। विशाल ने एक इंटरव्यू में दावा किया है ये गाना पूरा नहीं हुआ था। इस गाने के पूरा न होने की वजह ये थी कि सिद्धार्थ उनके शूट से खुश नहीं थे और वो नहीं चाहते थे कि ये रिलीज हो। रिपोर्ट में आगे लिखा गया कि जब सिद्धार्थ ही नहीं चाहते थे तो उनका परिवार भी नहीं चाहता था कि ये गाना रिलीज हो। इस बीच खबर न तो विशाल और न ही म्यूजिक लेवल ने गाने को रिलीज करने की इजाजत ली है। परिवार वास्तव में चाहता है कि सिद्धार्थ की इच्छाओं का सम्मान करते हुए गाना आउट न हो, लेकिन निर्माताओं और विशाल को इसकी परवाह नहीं है। अब सिद्धार्थ के परिवार ने बयान जारी करने के बाद देखना यह है कि विशाल कोटियन और गाना बनाने वाला म्यूजिक एल्बम या लेबल इस मामले पर क्या कदम उठाते हैं। हालांकि उनकी तरफ से अभी कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है। तो दोस्तों सिद्धार्थ शुक्ला के परिवार की ओर से जारी किए गए इस बयान के बारे में आपका क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। और दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्द से जल्द हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी और भी इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको देखने को मिलती रहें सबसे पहले। धन्यवाद।